बड़ा है। इंसान को तो बहुत मुश्किल होता है, भगवान को कोई मुश्किल नहीं होता। अब मुझे बहुत खुशी भी है कि मेरा बेटा धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है और बहुत क्या कहते हैं उसको, बहुत झुक के मिलता है, बहुत नम्रता से बड़ा प्यार करता है। भगवान उसकी उम्र करे। मेरे पिताजी का नाम फैयाज़ुद्दीन नाम है, उस्ताद नसीब है। शुरू से देखे मैंने अपने उस्ताद मेरे ताया मेरे पिताजी उस्ताद नसीर ज़हीरुद्दीन नाम था। सब देखते भी आए हैं, चाय कहाँ पी हूँ? अरे बता तो सही भाई, चाय मंगवा लूँगा मैं। ये घर हमारे डागर फैमिली के लिए, इस परिवार के लिए, डागर परिवार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहमियत है इसकी, क्योंकि ये हमारे मेरे परदादा के दादा उस्ताद बैराम खान डागर 1857 के रिवॉल्यूशन में के बाद वो यहाँ पे आए थे, जब वो 100 बरस के थे। पिताजी और मैं ताऊ जी दोनों सोच रहे थे कि मैं सोलो में अपने आप ही मैं परफॉर्म करूँगा,
लेकिन 7 फरवरी को मेरे फादर की डेथ हुई। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि मतलब मेरे ताऊ जी से कहा कि उनको साथ मतलब साथ गाना गवाइए। उसके बाद से ताऊ जी ने उसके बाद ये सोचा कि इससे मुझे ज़्यादा जो है ज़्यादा अच्छा लेसन भी मुझे मिलेगा। 5 साल के उम्र से कर रहा हूँ। शुरू में एक सिंगल नोट दे दिया जाता है एक बच्चे को रियाज में बिठा के, और जिससे वो सा जो फर्स्ट नोट है सा उसको वो गाते रहते हैं। जैसे कोई सा भी जैसे की नोट जो हुआ उसके अंदर, जैसे हम लोग सी शार्प पे गाते तो किसी भी बच्चे को बिठा के सा मतलब वो उसको कंटिन्यू करना पड़ता है उस मतलब बच्चा। और हमारे जो बड़े हैं वो अपना रियाज और कुछ करते रहते हैं, लेकिन हमको लगता है कि वो हमारी तरफ ध्यान नहीं है, लेकिन उनका ध्यान पूरा का पूरा होता है होता था। और अगर सही तरह से उसको प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं या सही स्वर में नहीं गा रहे हैं या अगर थोड़ा चेंज कर दिया उसको तो एकदम हमको एकदम कहते थे संभालो इसको, ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो उससे जो है शुरू से एटमॉस्फेयर मिलता है। एक तो बैठने की तमीज़ आती है कि आप देर तक एक जगह पे मतलब बच्चा एक जगह पे देर तक कैसे बैठ सकता है, और बड़ों के बुज़ुर्गों के पीछे बैठने की भी तमीज़ आती है कि कैसे बैठना चाहिए। रोज़ रियाज करते हैं सुबह उठ के 3-4 घंटे तक रोज़। क्या गाते हैं? गाते हैं आप, आपके पास तो है ना, तो और क्या चाहिए आप? भैरव राग, भैरव राग। और जिस दिन आप नहीं गाते हो है ओ तो वो दिन तो बड़ा भारी होता है, वो दिन बहुत ही ज़्यादा डल मीनिंग होता है। और मतलब उस दिन ऐसा लगता है कुछ कुछ चीज़ की नहीं, कुछ चीज़ मिसिंग। दरअसल ये क्षेत्र मेरा नहीं है भाषण देने का, क्योंकि अगर जो कुछ भी मैं कहता हूँ वो कुछ म्यूज़िक के ज़रिए ही कुछ थोड़ा बहुत कुछ कह पाता हूँ। खैर, लेकिन अपनी धरती अपने बुज़ुर्गों की जगह उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस होती, बड़ी अहमियत होती। Yeah.
Actually, this is a place of great importance for us. It brings whatever spirituality of in music and devotional thing we do, the essence of all that we get from due to the blessings of Hussein. This is called Karbala here. Bye, Jay.
मैरो कर बाजे बाजे ड मैरो कर बाजे 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 ड मैरो कर बाजे बाजे ड मैरो ड मैरो कर बाजे बाजे ड मैरो कर गर बाजे डमरु 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 हर कर डमरु हर कर डमरु हर कर अनारी गवार मैं ले अपने आप को कहां लेकर जाऊं क्योंकि अनारी गवार है श्रृंगार है अरे अरे मैं